खत्म हुआ 10 साल का इंतजार, मुंबई में आज से दौड़ेगी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पहले चरण में आरएसएस से बीकेसी के बीच शुरू हुई सेवा, टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए तक। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बजाया नगाड़ा, 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी सौगात। मुंबई में पश्चिम रेलवे पर मेजर ब्लॉक, आज कोरेगांव और कांदिवली स्टेशन के बीच रहने वाला है ब्लॉक, बोरीवली से अंधेरी तक अप फास्ट लाइन के सभी लोकल ट्रेनें डायवर्ट। मुंबई में अजीत पवार गुट के नेता पर हमला, धारदार हथियार से हमला कर आरोपी हुए फरार, गई जान। मुंबई की लोकल ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव, पहली ट्रेन कल्याण स्टेशन से सुबह 5:39 से शुरू होगी, सीएसएमटी तक जाएगी, तो वहीं आखिरी ट्रेन रात 11:51 से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू होगी, बदलापुर अंबरनाथ तक जाएगी। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नियत साफ नहीं थी, हम उसी विचारधारा के खिलाफ है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति का एक और बड़ा दांव, अहमदनगर जिले का नाम बदलकर किया अहिल्यानगर। करोड़ों किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 2,000 रुपए, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से जारी किया 18वीं किस्त। चुनाव के बाद भी बंद नहीं होगी लाडली बहन योजना, सीएम शिंदे ने महिलाओं को दिया आश्वासन। सत्ता में आए तो आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाई जाएगी, राहुल गांधी का महाराष्ट्र में बड़ा ऐलान। मुंबई में जलपूर्ति बढ़ाने के लिए बीएमसी ने नया पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को पुणे की एक विशेष अदालत ने किया तलब, 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मछलियों में मिला माइक्रोप्लास्टिक, सीआईएफआई मुंबई की रिपोर्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट बोला इंसानों के लिए भी खतरनाक। पुणे गैंगरेप मामले में 30 घंटे बाद पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग, आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंबई में मानसिक परेशानी से जूझ रही थी 17 साल की लड़की, फांसी लगाकर खत्म कर ली जिंदगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए महंत याति नरसिंहानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराने की मांग कर रही है भीड़। अमरावती के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर भारी पथराव, 10 पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज और छोड़े आंसू गैस। मुंबई में सोने और चांदी के दामों में उछाल, सोना 77,670 रुपए तोला, तवे चांदी 97,000 रुपए। महाराष्ट्र के भिवंडी लॉजिस्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की लगातार कोशिश जारी।